हाँ जी, क्या हाल चाल है? आज है यार मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट है, छोटू सा प्रोडक्ट जो आपको मेरे हाथ में दिख रहा है, 2019 का नया आईपॉड टच। किसी ने नहीं सोचा था कि 2019 में हमें फिर से देखने को मिलेगा आईपॉड टच। सबको लगा था कि ये वाली जो कैटेगरी है खत्म हो चुकी है। एप्पल की वेबसाइट पे भी देखोगे तो भी आपको आईपॉड वाला कॉलम नहीं मिलेगा, आपको सर्च बॉक्स में जाके सर्च करना पड़ेगा आईपॉड टच के लिए। बट कुछ ही दिन पहले एप्पल ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया एकदम चुपचाप में आईपॉड टच, और आज मेरे पास है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे क्या है इसमें खास और क्यों इसको लेना चाहिए 2019 में, या क्यों ये एग्जिस्ट करता है आज के टाइम में। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे नोटिस करोगे आप जब आप लोगे आईपॉड टच, तो वो है इसकी पैकिंग। ऐसी पैकिंग आपको पहले मिलती थी, आज के टाइम में ऐसी पैकिंग आपको नहीं मिलती है। ग्लास वाला यहाँ पे बॉक्स है, इसकी करेंगे आज हम अनबॉक्सिंग रिव्यू और आपको बताऊंगा कैसा है नया वाला आईपॉड टच। उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल के ऊपर चल रहा है गिव अवे मिक्सर कंपनी के E9 हेडफोन्स का। 1 जुलाई को गिव अवे का आएगा रिजल्ट मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर आपको पता चलेगा कौन है विनर। और अगर आप गिव अवे में एंटर करना चाहते हो तो आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आई एम हैप्पी औजला उस पर मुझे करना है फॉलो। अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो आप ऑलरेडी गिव अवे के अंदर हो, बट अगर नहीं किया तो जल्दी से करो क्योंकि 1 जुलाई को हो जाएगा रिजल्ट अनाउंस। और मे बी ये जो है या एक और चीज मेरे पास पड़ी है उनमें से भी किसी एक चीज का हो जाएगा गिव अवे, बट अभी श्योर नहीं हूं, सोच रहे हैं। बट इसका अभी पक्का है 1 जुलाई को होगा इसका रिजल्ट अनाउंस। और अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, निकालते हैं इसको बॉक्स से बाहर और देखते हैं कैसा है यहाँ पे आईपॉड टच। तो यहाँ पे है हमारे पास आईपॉड टच। अब यहाँ पे इसका जो रैप है आप इसको पील ऑफ भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से निकालूंगा और नीचे यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका आईपॉड टच। अब इसके ऊपर जो रैपर था वो हमने निकाल दिया। और यहाँ पे अगर सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं पहले बात कर रहा था कि यहाँ पे जो इसका डिजाइन है बॉक्स का वो ग्लास वाला है। पहले जो यहाँ पे आईपॉड्स वगैरह आते थे या पहले जो एप्पल के प्रोडक्ट्स आते थे वो आते थे इस तरीके की पैकिंग में, तो काफी यार यहाँ पे ओल्ड स्कूल फील कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तब मेरा पहला आईपॉड मैंने लिया था और अब ले रहा हूँ मैं 2019 में। तो चलिए बहुत हो गई बातें, अब इसको निकालते हैं बॉक्स से बाहर। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ है एक टैब जिसको हमें बस कुछ इस तरीके से खींचना है और आपका जो आईपॉड है वो निकल जाएगा बॉक्स से बाहर। और यहां पे खुल गया है हमारा बॉक्स, ताड़ा, और नीचे है हमारा आईपॉड। तो एक बार बॉक्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे तो है हमारा आईपॉड, इसको रख देते हैं साइड में। तो ऊपर आपको दिख रहा होगा डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। अब नीचे देखते हैं क्या मिलता है। नीचे है यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट मैनुअल्स, एप्पल स्टिकर भी होने चाहिए यार यहाँ पे, तो देखते हैं एप्पल स्टिकर है या नहीं। आईपॉड टच प्रोडक्ट मैनुअल है कि किस तरीके से कनेक्ट होगा। और यहाँ पे लाइटनिंग चार्जर आपको मिल रहा है और उसके साथ आपको 3.5 mm वाला हेडफोन जैक भी मिल जाएगा, जो कि हम सब बहुत मिस करते हैं अपने आईफोन्स में। और उसके साथ है यहाँ पे एप्पल के स्टिकर्स, इतने सारे स्टिकर्स हो गए। अगर मैं इंडिया में रहता यार मैं आप लोगों को फ्री में स्टिकर्स बांटता रहता, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इंडिया में नहीं हूँ। और नीचे आपको मिल जाएगी USB-A टू लाइटनिंग केबल और आपके 3.5 mm वाले हेडफोन्स, जिनको मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ब्लूटूथ वाले। तो ये खुल गए हैं अपने आप। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपके हेडफोन कनेक्टर है वो है 3.5 mm वाला, तो इनको मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स हैं। तो चलिए अब इस सबको रखते हैं साइड में और अपने आईपॉड को देखते हैं। अब यहाँ पे है हमारे पास हमारा आईपॉड टच और ये है एक ग्लास के उसके अंदर। अब इससे बाहर कैसे निकालना वो मुझे नहीं पता, कैसे निकलेगा भाई, ये पूरा एकदम अंदर लगा हुआ इसके। ओके, तो यहाँ पे भी एक पील ऑफ करने के लिए कुछ है, तो इसको पील ऑफ करके देखते हैं। ओह, ये स्टिकर था इसके ऊपर, शिट, आई एम सो डम। अब निकालते हैं इसको इसके अंदर से बाहर, भाई निकलेगा कैसे। फाइनली आईपॉड आ गया है बाहर और मैंने यहाँ पे लिया है ब्लू कलर में। क्या कमाल की फिनिश है ब्लू में, आप लोग देख सकते हो, और ब्लू मेरा फेवरेट कलर है। तो अगर कभी भी मैं मीटअप वगैरह करूंगा, आप लोग गिफ्ट देना चाहते हो, तो ब्लू या ब्लैक कलर में जो भी दोगे मुझे पसंद आएगा ही आएगा। बहुत ही कमाल का डिजाइन। और यहाँ पे मेरे पास मेरा आईफोन XS मैक्स है। अगर आपको सिर्फ एक कंपैरिजन दिखाऊं तो आप देख सकते हो कितना छोटा है यार यहाँ पे आईपॉड टच। अब एक बार इसको ऑन करके देखता हूँ कि यहाँ पे बैटरी है या नहीं, क्योंकि आजकल जो एप्पल के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनमें बैटरी ये लोग जीरो करके देते हैं। तो ऑन करते हैं, देखते हैं ऑन होता है या नहीं। तो ऑन हो गया फाइनली, ये बैटरी है इसमें। अब इसको सेटअप करते हैं, देखते हैं सेटअप होने में कितना टाइम लगता है। तो जैसे ही मैं अपना आईफोन पास लेके आया, यहाँ पे एक आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा सेटअप न्यू आईपॉड टच, तो मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। अब मुझे अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरा आईपॉड टच ऑटोमेटिकली हो जाएगा सेटअप। होल्ड योर न्यू आईपॉड टच अप टू द कैमरा, ठीक है, क्या करना है। ओके, तो इस तरीके से आपको इसके बीच में इसको लेके आना है और यहाँ पे जो हमारा कैमरा है
उसने एडजस्ट कर लिया अपने आप और यहाँ पे सेटअप हो रहा है मेरा आईपॉड। तो जब तक यार यहाँ पे जो आईपॉड है वो सेटअप हो रहा है, मैंने सोचा आपको एक बार बॉक्स का बैक साइड दिखा दूं क्योंकि मैंने आपको नहीं दिखाया था शायद। तो यहाँ पे 32 GB वाला मेरे पास वर्जन है और नीचे यहाँ पे काफी सारी चीजें लिखी हुई है जो यूजुअली हमें आजकल नहीं दिखती है। आईपॉड टच, एयरपॉड्स, लाइटनिंग टू यूएसबी केबल जो इस बॉक्स के अंदर मिलता है, सपोर्ट्स वाईफाई एंड ब्लूटूथ, तो वाईफाई इसके लिए जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पे नॉट ऑल फीचर्स अवेलेबल इन ऑल एरियाज, तो आप सबको पता है जैसे कुछ फीचर्स होते हैं कुछ कंट्री में होते हैं और कुछ कंट्रीज में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो तो आप सबको पता ही है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बाकी इन्होंने एक चीज यहाँ पे दी हुई है जो शायद आईफोन के बॉक्सेस के ऊपर भी देनी चाहिए, बैटरी लाइफ एंड चार साइकिल्स वेरी विद यूज एंड सेटिंग्स, बैटरी में इवेंचुअली नीड रिप्लेसमेंट। बैटरी किसी भी स्मार्टफोन में हो, किसी भी स्मार्ट डिवाइस में हो, या कोई भी जो बैटरी है वो टाइम के साथ खराब होगी ही और आपको चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन करने का मेरा बहुत दिल था जब मैंने सोचा था कि आईपॉड टच लूंगा, तो अब वो कर लेते हैं। अभी का जो स्मार्टफोन चल रहा है वो है आईफोन XS मैक्स और ये है यहाँ पे आईपॉड टच 4 इंच की, इसमें आपको स्क्रीन मिलेगी, यहाँ पे मिलते हैं 6.5 इंच की स्क्रीन। तो मेरा जो मन था वो था कि वेट का फर्क देखना है कि वेट का फर्क कितना ज्यादा है, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे वेट स्केल है। बहुत ही स्टूपिड लगेगा शायद कुछ लोगों को ये चीज की यार क्या कर रहा है बंदा, बट मेरा मन है करने का एंड मैं चाहता हूँ कि एक बार आपको भी दिखाऊं। तो यहाँ पे जो हमारा iPhone XS Max है उसका वेट है 248 grams, ठीक है। अब देखते हैं हमारे iPod Touch का, ये बहुत ज्यादा लाइट है ऑनेस्टली, आप देख सकते हो आधे से भी कम यहाँ पे वेट है। और अब अगर मैं स्क्रीन साइज की बात करूं तो एक बार मैं इसको रखता हूँ साइड में और एक बार मैं स्क्रीन ऑन करता हूँ इसकी, तो यहाँ पे iPhone XS Max रखा है और यहाँ पे मैं रखता हूँ तो आधी स्क्रीन से भी कम साइज में आप देख सकते हो आपका iPod Touch आ जाएगा। बहुत ही छोटू सा यहाँ पे डिजाइन है। यहाँ पे आपको दो कैमरास भी मिल जाएंगे, पहला होगा बैक में और दूसरा है फ्रंट में। पीछे वाला जो है ये है 8 megapixel और फ्रंट वाला है 1.2 megapixel। अगर मैं एक बार दिखाऊं कि कैसी क्वालिटी है फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे हूं मैं, आप लोग मुझे देख सकते हो, कुछ ज्यादा खास नहीं है बट ऑनेस्टली काफी ज्यादा अच्छी है जितना छोटा इसका सेंसर है। फेस टाइम के लिए बहुत अच्छा कैमरा है और इसका जो बैक कैमरा है उससे जो मैं फोटोज लूंगा उनके जो सैंपल है वो मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे कर दूंगा अपलोड, ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आई एम हैप्पी ओजला है मेरी आईडी। और यहाँ पे आपको ना तो टच आईडी मिल रहा है ना ही फेस आईडी मिल रहा है, आपको जो नॉर्मल सा आईफोन 5 वगैरह में मिलता था पासकोड ही आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पासकोड ही मिल रहा है, फेस आईडी वगैरह कुछ नहीं है, ओल्ड स्कूल मेथड है यहाँ पे। बट ऑनेस्टली मुझे इसका जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। इसका क्या कमाल का कलर है ब्लू। जो यहाँ पे मेरे पास आईफोन XR है वो भी मैंने ब्लू में ही लिया था और जैसे आप सबको मैंने पहले बताया ब्लू है मेरा फेवरेट, तो अगर आगे भी कोई आईफोन ब्लू कलर में आएगा तो जरूर ब्लू कलर में ही लूंगा। अब अगर मैं दिखाऊं कि यहाँ पे क्या क्या हमें मिलता है, यहाँ पे आपको कैमरा के साथ फ्लैश भी मिल जाएगी, आईपॉड और एप्पल का लोगो आपको दिख ही रहा होगा। तो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे 3.5mm वाला हेडफोन जैक है, उसके साथ ही लाइटनिंग पोर्ट और यहाँ पे एक छोटू से स्पीकर्स। यहाँ पे जो मेरे पास वर्जन है आईपॉड टच का ही है 32 GB वाला, जैसे मैंने बताया 128 और 256 GB भी आपको मिल जाएगा, बट वो लेने का कोई फायदा नहीं है। ज्यादातर जो इसको लोग लेंगे वो लेंगे म्यूजिक वगैरह के लिए, तो 32 GB बहुत ज्यादा है और जितना भी इसमें काम होगा म्यूजिक वगैरह का वो होगा क्लाउड सर्विसेज से, तो ज्यादा स्पेस नहीं लगेगी। तो 32 GB बहुत ज्यादा है, 128 पे मत करो अपग्रेड, क्योंकि $199 का ये आपको पड़ेगा और 217 का मुझे पड़ा है टैक्सेस के साथ। अगर आप लोगे यहाँ पे मान लो 128 तो आपको 350 के आसपास पड़ेगा, उतने का तो आपको आईफोन 7 ही मिल जाएगा। अब आईफोन 7 की बात की है तो आईपॉड टच में भी आपको मिल जाएगा A10 प्रोसेसर जो आपको मिलता है आईफोन 7 में, और यहाँ पे पहली बार किसी भी आईपॉड में आपको मिल रही है 2GB RAM, क्योंकि यहाँ पे अभी जो एप्पल की गेमिंग सर्विस है जिसका नाम है आर्केड वो लॉन्च होने वाली है थोड़े ही दिनों में, तो उसकी वजह से 2GB RAM अब आपको आईपॉड टच में भी मिल रही है, ताकि अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हो तो बहुत ही आप मजे से कर पाओ। और 2GB RAM है तो कोई भी गेम अगर आप खेलोगे तो आपका जो आईपॉड टच है वो बहुत ही इजिली हैंडल कर सकता है। साइज की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हो कितना छोटू सा, यहाँ पे बड़े ही मजे से आप एक हाथ में पकड़ सकते हो और एक हाथ से आप बहुत ही इजिली इसको चला सकते हो, पूरे स्क्रीन में आपका हाथ घूम सकता है, बट आजकल के जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें पॉसिबल नहीं है। और अब अगर मैं बात करूं कि टाइपिंग वगैरह का एक्सपीरियंस कैसा है, तो टाइपिंग आप कर सकते हो क्योंकि अब हम सबको बड़े फोन्स की आदत पड़ गई है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। कीबोर्ड आप यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा सा छोटा है, बट यूज टू हो जाओगे जब आपके पास आ जाएगा ये वाला प्रोडक्ट। उसके अलावा फेस टाइम भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सारी एप्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, बस एक चीज की कमी है वो है कॉल, आप इससे कॉल नहीं कर सकते। उसके अलावा जो भी चीजें आप चाहोगे सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, स्काइप यूज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। कैमरा का मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी इसके बैक कैमरा की फोटोज हैं वो मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर करूंगा अपडेट, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि कैसे पिक्चर्स ले सकते हो आप अपने आईपॉड टच से। और अब अगर मैं बात करूं कि आपको लेना चाहिए या नहीं है, फिर ये किसके लिए है, ऑब्वियसली अगर आप सोच रहे हो कि आप आईफोन की जगह पे आईपॉड टच लोगे और आपका गुजारा हो जाएगा तो आप गलत हो। बट हाँ, ये अच्छा डिवाइस हो सकता है उन लोगों के लिए जो लोग iOS को ट्राई करना चाहते हैं बट उनका जो बजट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो $200 में बहुत ही कमाल की डील है, क्योंकि A10 यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिल रहा है, उसके साथ 2GB RAM
है, या फिर अगर आप अपने बच्चे वगैरह को देना चाहते हो, या फिर आपके पास ऑलरेडी एक फोन है और आप iOS का फोन ट्राई करने की सोच रहे हो बट आपका बजट नहीं है, तो आप इसको लेके अपना जो iOS का शौक है वो पूरा कर सकते हो, क्योंकि सारी ही चीजें यहाँ पे आपको सेम मिलेंगी जो आपको iPhones में मिलती है। और ये वाला जो iPod टच है ये कंपेटेबल है iOS 13 के साथ, तो अभी जब सेप्टेम्बर में लॉन्च होगा iOS 13 तो इसके अंदर भी आएगा अपडेट, और आज से 3-4 साल की मैं इजिली गारंटी दे सकता हूँ कि सारे सॉफ्टवेयर अपडेट इसमें आएंगे, क्योंकि आज ही क्योंकि इस साल ही लॉन्च हुआ है तो 4 साल का तो एप्पल पक्का ही करता है कि 4 साल तो सॉफ्टवेयर अपडेट आते ही आते हैं। और इसकी बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो बैटरी लाइफ मेरे हिसाब से तो अच्छी होनी चाहिए, कैसी होगी इसकी बैटरी लाइफ वो मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि अभी मैंने आपके सामने ही इसको अनबॉक्स किया है, तो थोड़े दिनों बाद अगर मेरा वीडियो बनाने का मन करेगा तो जरूर बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसी है इसकी बैटरी लाइफ। और ये थी यार मेरी एक छोटी सी वीडियो iPod टच के ऊपर, प्लीज आप लोग बताना कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो, और अगर आप कोई स्पेसिफिक फीचर देखना चाहते हो इस वाले iPod टच का तो आप लोग मुझे कॉमेंट कर सकते हो, अगर ज्यादा कॉमेंट आएंगे तो एक और वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड iPod टच के ऊपर। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करता हूं मैं रैपअप, और आपको मेरे पीछे यहाँ पे दिख रहे होंगे मिक्सर के E9 हेडफोन्स, तो इनका चल रहा है गिव अवे, अगर अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो जल्दी से करो पार्टिसिपेट, 1 जुलाई को करूंगा मैं अपना विनर अनाउंस। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करता हूं खत्म, अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।